से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। अरे धीरे चलाओ, तूफान मेल करो, ये ऐसे ही चलेंगी। अरे भाई संभाल के, उससे कहा होता तो मैं अपनी बस ले आता। इस खटारे से पहुंच पाएंगे कि नहीं? अब पहुंच भी गए तो लड़ने के काबिल नहीं रहते ना सर, अंजना पंजना ढीले हो गए सर, मैं गुइया 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 हो रहा। मुझे तो लगता है किशनकांत, बहुत जल्दी ये बस किसी खाई में पड़ी मिलेगी। क्यों डरा रहे सर, हम भी खत्म और मिशन भी खत्म। ये सारे रास्ते दिमाग खाता रहेगा, अभी भी वक्त है, बस रोकिए, उतार दीजिए कंचे को। सर ये पराठा लीजिए, असली की का है, लीजिए। थैंक यू। देखिए सर एक और लीजिए। अरे क्या किया आपने? वही जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए। अरे ये सर गाड़ी रोकिए, इन्होंने हमारा पराठा ही फेंक दिया, अब मैं खाऊंगा क्या? हरी सब्जी और सलाद खाओ। ये क्या है, मैं कोई गाय बकरी हूँ जो सब खाऊंगा? बैल तो हो। मैं जाता हूँ। अरे खिड़की उधर कहाँ जा रहा? अरे चुप रहो, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, ये चर्बी वर्बी सब निकल जाएगी। तारी नहीं, उठो उठो सर, सर देखो ना, सोते सोते पेशाब कर दिया, मेरा पैन गिर गया सब। पेशाब खिड़की का बाहर करने को नहीं होता है। दारू दारू मेरा गिरा दिया, बोलता मेरा पेशाब किया। काम करो ने, अब मिशन तक के लिए दारू छोड़ दो ने। अबे तेरे बाप की पीता हूँ, दारू छोड़ ले। बाप ने बाप, ए रमैया ए गोली खाओ, तुम्हारा उल्टी बंद हो जाएगा। लो। नहीं, आपकी गोली नहीं खाऊंगा, जागीरा की गोली खा लूंगा मैं। क्यों? अरे आप चक्कर की गोली दिए तो मुझे उल्टी शुरू हो गई, अब उल्टी की गोली देंगे तो न जाने क्या क्या शुरू हो जाएगा। अरे गाड़ी, अब तुम क्या कहना चाहते हो? सिपाही आपको छोड़ के पहिया जा रहा है देव दुर्ग। कर्नल साहब, हमें इतना ऊपर चढ़ने की मनाही है, हमें जरा वो लटका वो है ना, कोई और रास्ता नहीं है क्या? न जाने ऊंचे ऊंचे पहाड़ काय को बना डाले ऊपर वाले ने, सीधी सीधी जमीने ठीक थी ना। चलना भाई। ओ सर जी, मैं आ रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करना, आ रहा हूँ। जंग की शुरुआत हो चुकी है, हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा। गांव में कोई नहीं जानता कि हम यहां क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है। इस मिशन में हमारी सबसे बड़ी ताकत है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यू आर राइट सर, अगर जगीरा ने दोबारा हमला किया तो हम काउंटर अटैक करके उसे पकड़ सकते हैं। सीओ साहब, जगीरा का इंतजार करने के बजाय क्यों ना हम उसके मूवमेंट का पता लगाकर उस पर अटैक कर दें। बिल्कुल सही है सर, जहां तक हो सके हमें ये लड़ाई गांव के बाहर लड़नी चाहिए ताकि गांव वालों की जान और माल को खतरा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हमें होशियारी से गांव वालों से जगीरा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए, जैसे कि उसके पास कितने आदमी हैं, कैसे हथियार इस्तेमाल। सर गांव वाले इतनी दहशत में हैं, वो कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर जीते क्यों हैं? लानत है ऐसी जिंदगी पर, खुद अपनी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते, दूसरा कोई इनकी मदद करना चाहता है तो उसका साथ नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को जगीरा लूटता है तो ठीक ही करता है, बुज़दिल कहीं के। हाथ में बंदूक लेकर अपने आप को बहादुर समझना उतना ही आसान है कर्नल पूरी, जितना किसी ने हत्थे को बुज़दिल समझना।
इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है, अपने बीवी बच्चों की, अपने घर परिवार की। और ये जिम्मेदारी अच्छे खासे इंसान को भी तोड़ मरोड़ के रख देती है। बुजदिल नहीं है ये, जिल्लत और लाचारी की जिंदगी जीते हुए भी अपने परिवार को चलाने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इनका ये दर्द और मजबूरी सिर्फ वो समझ सकता है जिसने ये जिम्मेदारी कभी निभाई हो। ऐसे मजलूमों पर अगर कोई जुल्म करता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। यहाँ तलवारें नहीं चल रही हैं सरफराज, जगीरा को पकड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। तुम लोगों को खून शराबे की सवा को सूझता ही नहीं कर्नलपुरी? तुम लोगों के खून में कर्नलपुरी? नहीं नहीं, कहने दीजिए सर, कहने दीजिए, हमें ये सब सुनने की आदत है। कहिए कर्नलपुरी। कुछ नहीं कहना मुझे। कहिए ना। नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। अरे कहिए ना, हम लोगों के खून में ही ऐब है। बचपन से ही मारपीट सिखाई जाती है। गद्दी पर बैठने के लिए बेटा बाप का खून कर देता है, भाई भाई को मार डालता है। यही कहना चाहते हैं ना? ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। इतिहास को छोड़कर हम आज की बात करें कर्नलपुरी। आइंदा इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। सीओ साहब, आपके प्लान के मुताबिक प्लान नंबर वन और प्लान नंबर टू के बीच में जो लाली, तुम यह क्या कर रही हो? चाचा ने कहा कि शहर से लोग आए हैं, उनको खिलौने बेच देना। लाली के माँ बाप को जगीरा ने मार दिया, अब ये अपने चाचा के साथ रहती है। जा लाली, या किसी को खिलौने नहीं चाहिए। एक खिलौना ले लीजिए ना बाबूजी, बहुत सुंदर है। हमने कहा है ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। कर्नल, ठहरो बेटा, जरा दिखाना तो खिलौने। वाह, तो बहुत ही अच्छे हैं भाई। मैंने बनाए हैं। अच्छा, बड़े अच्छे हैं। कितने के? सिर्फ 5 रुपए के। सब या एक? सिर्फ एक। अच्छा, तो ये लो। कौन सा लूं? ये हाथी ले लीजिए, सबसे ताकतवर है। अच्छा। रास्ता नंबर एक, रास्ता नंबर दो, रास्ता नंबर तीन। अगर हम रास्ता नंबर एक और तीन बंद कर दें तो सिर्फ ये रास्ता रह जाता है नंबर दो, जिस पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। कर्नलपुरी, रमैया, बिजोन, डीके, सर, आप लोग गांव और उसके आसपास के इलाकों का मुआयना करेंगे। घनश्याम सर और एमडी, यस कर्नल, आप लोग रास्ता नंबर एक और रास्ता नंबर तीन को ब्लॉक करने की प्लानिंग पर काम करें। राइट सर। मेजर गुरुंग, जी साहब, आप इन पहाड़ियों के उस पार के इलाके का जायजा लेंगे। जी सर। मैं, मेजर गुप्ता और मेजर सरफराज कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। सर। और मैं सर? तुम किचन संभालो, जाओ। किचन? सर मेरी 3 साल की, जाओ जाकर खाना लगाओ। चलिए। खाना बन ही रहा है, मैं बंती लगवाती हूँ। बिटिया, मेरे खाने में मसाला जरा कम डालना, मुझे मसाले की मनाही है। अरे नहीं बेटी, इनकी बात मत सुनना, खाना खूब चटपटा बनाना और तड़का भी लगाना। अच्छा। और सुनो, मेरे खाने में तेल कम और थोड़ा घी ज्यादा। ए रमैया, मेरे लिए हरी मिर्ची और पुदीने की चटनी जरूर रखवाना। हम लोग किसी होटल में नहीं आए हैं, घर में जो कुछ बना है वही सब खाएंगे, और यहाँ कोई किसी को ऑर्डर नहीं देगा, सब अपना काम खुद करेंगे। क्या? इस मिशन में हम सब बराबर हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं और रमैया बराबर हैं? हाँ कर्नलपुरी, इस मिशन में हम सब बराबर हैं। थैंक यू सर, इस मिशन में हम सब बराबर हैं। हाँ भाई, चलो उठो, यहाँ सब बराबर हैं। चलो चलो, खाने की लाइन में लग जाओ। ऑर्डर भी लीडर ही देवे तो अच्छा रहेगा। किसने कहा ये? अरे अरे, भालू सर्कस जो कर ये भालू। अच्छा 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 बाबा, अभी अभी तो आए हैं, बाद में क्या दिखाएंगे, करो। ए चलो भागो यहाँ से, चलो। बिजोन, तुमसे कहा था कि ये कुत्ता साथ में लेकर मत आओ। जिगर है। और ये क्या टोपी पहन रखी है आपने, बंदर दिखते हो। अच्छा, ओ साहब, बच्चे थे, जरा मजाक कर ले रहे थे। क्या कहना चाहते हैं आप? कर्नल साहब, संध्या ने गांव वालों को यही बताया है कि हम लोग सर्कस वाले हैं। ये संध्या भी कमाल है, कुछ और बता दिया होता, सर्कस वाले बना दिया हमें। सर आप रिंग मास्टर लग रहे ना, हंटर भी हाथ में है। सर
इधर चलते हैं। नहीं नहीं, इधर जाएंगे। ये भी ठीक है। ये भी क्या ठीक है, यही ठीक है। चलो चलो। यस सर। क्या? हाँ। कैसी हो लाली? अच्छी हूँ। तुम खेलने नहीं गई? मैं खेल नहीं सकती, मैं दुकान चला रही हूँ ना। चाचा ने कहा है कि रोज 20 रुपए लेकर ही आना। अच्छा, तुम्हारे चाचा काम नहीं करते? चाचा काम करते हैं। आप बच्चे से बहुत प्यार करते हैं ना, पहले भी खिलौना खरीदा, आज भी खरीदने आए। और कितना सामान लेना आपको? अभी तो बहुत सामान बाकी है, रायदुर्ग जाना होगा। रायदुर्ग? वो क्या है? यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलो? सुनिए, डाकू पकड़ने आओ। सॉरी, मैं डाकू पकड़ने आऊँ यहाँ? तो आप नहीं चलेंगे? चलिए, शौक से चलिए, आपको तो फ्री कुली मिल गया यहाँ पर। लेकिन मैं आपको कुली नहीं समझती। हाँ, लेकिन वो फौजी लोग तो समझते हैं ना। देखा नहीं क्या काम दिया मुझे, किचन डिपार्टमेंट।